हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का होम कुकिंग चैनल पर स्वागत है। आज मैं हलवे की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो स्वाद के साथ साथ आपकी सेहत का भी ख्याल रखेगा। आज हम बनाएंगे स्वाद से भरपूर, गुणों से भरपूर बादाम का हलवा। सर्दियों के मौसम में आप 2 चम्मच सेवन कर लें, वो आपके टॉनिक का काम करेगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी बादाम लिए हैं, अब इनको हम भिगाएंगे। अब इनको हम गर्म पानी में भिगाएंगे। यहाँ पे बादाम भिगा दिए, अब इनको हम 30 मिनट के लिए इसी तरह रख देंगे। ये बादाम है, ये फूल जाए। 30 मिनट हो गए और ये बादाम फूल गए। अब इसका हम छिकल निकालेंगे बादाम का ऊपर से। ये देखिए कितने आराम से छिकल निकल आता है, ये देखिए। और इसी तरह से हम सभी का छिकल निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने सभी को छील लिया, अब इनको पीस लेंगे। ये मैंने डाली है, अब इसमें डालेंगे 1/2 कप दूध। इसका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे और इसे बिना दूध के ना पीसे। बिना दूध के फाइन पेस्ट नहीं बनेगा, इसमें दूध डाल के ही फाइन पेस्ट बनाना है। यहाँ पे मैंने फाइन पेस्ट बना लिया और ये देखिए ये बिल्कुल बारीक करा है मैंने। अब हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे कोई कढ़ाई ले लेंगे, इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। घी को पिघलने देते हैं। घी पिघल गया, अब इसमें बादाम वाला पेस्ट डाल देंगे। यहाँ पे ये डाल दिया, अब इसे हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। ऐसी गैस लो टू मीडियम रखेंगे। 2 मिनट हो गए, अब इसमें 1 चम्मच घी फिर से गिरेंगे। अब इसको भी चला देंगे। इस हलवे में घी ज्यादा नहीं पड़ता है। और सूजी का हुआ, आटे वाला हुआ या फिर मूंग दाल का हुआ, उन हलवे में घी ज्यादा पड़ता है। घी डालने के बाद 2 से 3 मिनट फिर से हो गए। आइए देखिए बादाम का पेस्ट बहुत अच्छे से भून गया। अब इसमें डालेंगे 2 कप दूध, आप उबला हुआ या कच्चा दूध कैसा भी ले सकते हैं। और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मिक्स कर दिया। आइए देखिए इसकी गैस हमें हाई रखनी है। अभी ये मिक्स हो गया और इसे हम इसी तरह चलाते हुए इसे पका लेंगे जब तक थिक ना हो जाए। और फ्रेंड्स, बादाम का हलवा बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार जरूर ट्राई करें। और आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है आप उसका फाइन पेस्ट बना के भी बना सकते हैं, तो ड्राई फ्रूट हलवा हो जाएगा। ये देखिए ये थिक हो गया है। अब इसमें डालेंगे चीनी। जितने हमने बादाम लिए उतनी मैंने यहाँ पे चीनी ली है, 1 कटोरी। अब इसको भी मिक्स कर देंगे। आप यहाँ पे चीनी कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मिक्स हो गया, अब इसे चलाते हुए और पकाएंगे जब तक एक थिक ना हो जाए। ये देखिए बादाम का हलवा थिक होना स्टार्ट हो गया है, अब इसे हम और थिक करेंगे। ये देखिए ये बादाम का हलवा थिक हो गया। अब इसमें 1 चम्मच घी हम फिर से गिरेंगे। अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अभी आप हलवा बनाएं और हलवा बन गया हो तो उसके ऊपर 1 चम्मच घी जरूर डालें। हलवे में बहुत ही बढ़िया शाइनिंग आ जाती है। यहाँ पे मैंने 1 पिंच येलो फ्रूट कलर लिया है, थोड़े से दूध में इसे मिला दिया है, इससे कलर भी बहुत बढ़िया आएगा। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और आप यहाँ पे केसर भी डाल सकते हैं। इसे बढ़िया तरीके से मिक्स कर देंगे और ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। और देखिए हलवा भी बड़ा थिक हो गया, हलवा हो गया रेडी। इसकी गैस कर देंगे बंद और इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ये हमारा बादाम का हलवा रेडी हो गया। ये बहुत हेल्दी और खाने में बहुत ही टेस्टी है। ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। और एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।